INCET की अभी जो है वो इंडियन नेवी की फॉर्म आई है, जिसमें जो है वो आप वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसमें जो है वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन आई हुई है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके पास एक वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये वाला जो है वो अगर आप क्लॉज पढ़ोगे तो इसमें लिखा गया हुआ है कि जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, क्लियरली नॉट बिलोंग टू OBC क्रीमी लेयर। मतलब आप जो है वो NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है साल की, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप जो है वो क्लैरिटी चाहते हो तो आप आचार्य प्रशांत की वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे आचार्य प्रशांत, तो इनकी जो है वो यूट्यूब की चैनल आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे इनकी जो है वीडियोज़ रहती है, काफ़ी जो है वो क्लैरिटी भरा इनका जो है वो आंसर्स रहता है। और आप इनके जो है वो गीता सेशन से भी जुड़ सकते हो, और बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, अराउंड जो है वो 50 मिलियन सब्सक्राइबर है। और इनकी ऐप है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप डेली विजडम कंटेंट्स देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक बार आप ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करना आचार्य प्रशांत। तो ये जो है वो एक पेज का ऐसा ही फॉर्मेट रहता है, इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। थोड़ा सा फॉर्मेट में कभी चेंज रह सकता है, जैसे यहाँ पे जो है वो 1993 है, ये 2014 रह सकता है, तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका सर्टिफिकेट जो है वो ऐसा ही एक पेज पे रहेगा। और ये सर्टिफिकेट आप कोशिश करो कि जब भी फॉर्म आई है उसी फाइनेंशियल ईयर का हो, जैसे ये वाली फॉर्म जो आई हुई है INCET की, तो ये जो है वो अगर आप देखोगे तो ये जुलाई के महीने में आई हुई है। तो आप जो है वो कोशिश करना कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ हो। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद बना रहेगा तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है तो आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा लेना, ताकि बाद में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो कोई भी इशू ना हो। अब देखो यहाँ पे जो है वो एक पेज का सर्टिफिकेट कुछ ऐसा बन रहता है, जैसे ये थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट है एक कैंडिडेट का है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो है वो क्या क्या लिखा गया हुआ है, तो इसमें जो है वो डेट्स रहता है। आप देखोगे कि सर्टिफिकेट डेट ज़रूरी है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में रहे तो बेटर रहेगा, आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे में जो है वो जैसे ही जा रहे हैं तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट कौन से ऑफिसर से बना हुआ है उनका यहाँ पे डिजिटली साइंड है, और कई बार मोहर भी रहता है। तो अगर डिजिटली साइंड है तो मोहर नहीं भी रहेगा, सील नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट पे सील है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैनुअल भी चलता है, ऑनलाइन वाला भी चलता है, तो आप सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आप जो है वो यहाँ पे आप देखोगे कि सर्टिफिकेट ये उत्तर प्रदेश का है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अलग अलग रहता है, लेकिन मेन फॉर्मेट जो है वो सेम ही रहती है। अगर आप देखोगे तो ध्यान से तो ये जो एक पेज का ये फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया कुछ ऐसा ही फॉर्मेट रहता है। तो आपको आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ऐसा बना हुआ तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो आप जितना जल्दी हो सके 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला आपके पास सर्टिफिकेट बनवा लो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे जो है वो OBC NCL वाले कैंडिडेट्स ध्यान देंगे कि फैमिली इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तभी आप OBC फॉर्म फिलअप करना, वरना क्रीमी लेयर में आप आ जाओगे। ओके, तो क्रीमी लेयर वाले को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, क्रीमी लेयर वाले को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, और जो नॉन क्रीमी लेयर है सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलता है। तो आप जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में लाइक करने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इंडियन नेवी में जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ नेवल सिविल स्टाफ आई हुई है, तो इसका जो क्लॉजेस अगर आप देखोगे तो क्लियरली मेंशनड है, लेकिन कोई भी डेट नहीं दिया गया हुआ है कि कौन से डेट के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियरली लिखा हुआ है कि अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट वही है जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया, वही है। और ये जो है वो मैंने कहा कि जहाँ पे आपका 1993 लिखा हुआ है उस 1993 की जगह पे 2013 रहेगा, और भी कोई इशू नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आपकी अगर कोई भी डाउट होगी तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जो है वो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो आप जो है वो टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो, और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी जो है वो डिफेंस की एग्जामिनेशंस के लिए आप जो है वो टेस्ट सीरीज़ ये सब लगा सकते हो, और भी अदर एग्जामिनेशंस के लिए रेलवे
SSC बैंकिंग इन सभी के लिए भी जो है वो डिफेंस के भी एग्जामिनेशंस के लिए भी आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए जो है वो अगर आप इसका पास परचेस करोगे तो पास जो है वो पास प्रो आपको परचेस करना पड़ेगा, तो आप जो है इसका पास प्रो परचेस करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक कूपन कोड देता हूँ JBYY16। इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर दोगे तो आपको फ्लैट जो है वो 10-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। सो आप जो है वो इस टेक्स्ट बुक की मदद से अपना जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, और एक बार ज़रूर जो है वो ऐप को आप इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज़ का फ्री जो मॉक टेस्ट होता है उसे देने का कोशिश करें, और अगर आप पास परचेस कर रहे हो तो कूपन कोड ज़रूर अप्लाई कर दें।